अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और शाबाद का पहला जुम्मा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस रमजान भी करीब ही है। ये आज का वेदर देखिए, कराची का कितनी धूप निकली हुई है। हमारी लाइट गई हुई है, लाइट हमारी गई हुई है। और इसी दौरान मैंने ये गोश्त पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि गैस अभी आ रही थी और जब लाइट जाती है तो गैस थोड़ी आने लगती है, ज़्यादा नहीं। बस सिलो उस पर भी पका रही हूँ। और आज मेरा इरादा है गोभी गोश्त बनाने का। गोश्त तो मैंने जल्दी से चढ़ा दिया था, अब आलमोस्ट थोड़ा सा बस ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं गलने वाला होगा आलमोस्ट, और फिर इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी। और मैंने इधर पानी भी गर्म करने के लिए रखा है। और ये देखे गोभी मैंने काट ली थी, और अभी देखना पड़ेगा कि गोश्त गल गया है तो फिर मैं इसमें गोभी ऐड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से पक रहा है। और फिर इसके साथ वे रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ये ज़रा भुना हुआ बनता है तो हम इसके साथ रोटियां ही खाना पसंद करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी, वो तो पराठा मांगेंगे कि मुझे पराठा बना दे इसके साथ। चले अभी देखते हैं, अभी तो मैं खैर और नमाज की तैयारियां करूंगी। अभी घर का काम तो मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है, बाकी ये बस किचन का काम है। किचन का काम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही हो रहा है। और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। आप लोग को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो अभी मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी मेरी वीडियोस को वॉच करें। और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में कोई बताते नहीं है कि मेरी वीडियोस आप लोग को कैसी लग रही है। बाकी चले मैं अपने काम कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने ये गुड़ की पक बनाई है और पट्टियाँ इसकी काटूंगी अभी। और ये गुड़ मेरे को हार्ट से मुझे गिफ्ट मेरी कज़न ने मुझे दिया था, और अब मैंने इसकी ये देखिए अभी इसको काट के देखते हैं पर सही से कटती है कि नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आराम से निकल रही है, लेकिन ये कड़क वाली नहीं बनी, थोड़ी सी सॉफ्ट है खाने में। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी निकली है।
खाने के बाद मीठे की तलब होती है सबको, तो ये गुड़ की बना ली है। अब वैसे तो हम सादा गुड़ ही खा रहे थे इसका, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इसको, मूँगफली भी रखी हुई थी तो इनका एंटरटेनमेंट करते हैं कुछ इसका। सॉरी एंटरटेन नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। और ये देखें माशाल्लाह से, लेकिन वो कड़क वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन तो अब ये नहीं पता किस वजह से कड़क नहीं बनी। ऐसा लग रहा चने की दाल का हलवा, ये चने की दाल का हलवा नहीं है, गुड़ की कतलियाँ हैं। अब शबे बारात आ रही है तो उसकी भी तैयारी है, कुछ उसकी भी करनी है। और माशाल्लाह थे शबे बारात का भी हमने रोज़ा रखा था, थोड़ा सा जाके भी थे, और इसमें भी इंशाल्लाह जाकेंगे, रोज़ा भी रखेंगे और इबादत करेंगे इंशाल्लाह, और हर साल करते ही हैं। और इन दिनों का तो इंतज़ार रहता है सब मुसलमानों को। और फ्रेंड्स, आप सबकी क्या मसरूफियात है, मेरी तो आप लोग मसरूफियात देख लेते कि मेरी क्या क्या मसरूफियात चलती रहती हैं। और मैंने जो गुड़ का पतीसा बनाया था वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, वो ज़रा सख्त नहीं बना, सॉफ्ट बना है, लेकिन अच्छा मज़ेदार है। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है ना, तो खा सकते हैं वो। और उसमें मैंने तिल और मूँगफली डाली थी। और बाकी अब रमज़ान भी करीब है, उसकी भी तैयारियां करनी है, ग्रोसरी के लिए भी जाना है, और टाइम नहीं मिल रहा, इतना टफ शेड्यूल चल रहा है ना कि बस मुझे बिल्कुल भी टाइम। कल भी मैं हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी आँखों का आँखें टेस्ट कराने के लिए, और खैर मेरी आँखें तो ठीक है, लेकिन थोड़ी जलन होती थी मेरी आँखों में, तो वो मैं दिखाने गई थी। और माशाल्लाह से मेरी आँखें, उन्होंने बोला ठीक है, बस क्या कहते हैं करीब की थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, करीब में भी जो मैं चश्मा यूज़ करती हूँ ना वो दूर का है, तो इसलिए अब वो उन्होंने दूसरा नंबर लिख के दिया है, तो मुझे चश्मा भी बनवाना पड़ेगा अपने दूसरे ग्लासेस। और मेरी सिस्टर भी अपनी आंखें दिखाने गई थी, तो उनका तो खैर ऑपरेशन हुआ था मोतिये का, वो भी माशाल्लाह ठीक है, आँखें उनकी भी ठीक ठाक है, और अभी उनको भी दूसरी आँखों का मसला है ना, तो उसके लिए भी उन्होंने नंबर दे दिया है, अब ग्लासेस वो भी बनवाएंगी दूसरे। और बाकी अब अपने वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, आज की जो थी मेरी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर, आज की जो भी मेरा व्लॉग था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, और जो रूटीन थी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करी। और अगर आप लोग को अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।